हाँ तो चलिए जून 24 का जो अकाउंट्स का पेपर हुआ था फाउंडेशन का, उसका एक क्विक सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। पहला ट्रू फॉल्स था, बोला था कि इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, शायद आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बस सुन लीजिए, देन इट डजंट इंटर इन ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, इट शोन ओनली इन द बैलेंस शीट। ट्रू है, अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में है, क्लोजिंग स्टॉक जनरली अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, तो उसको आपको जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस शीट में डायरेक्टली आप दिखा सकते हैं। क्योंकि एक चीज को आपको दो ही जगह दिखाना है, ट्रायल बैलेंस में तो ऑलरेडी है, ट्रेडिंग अकाउंट में हो जा नहीं सकता, क्योंकि इसका बैलेंस जो है वो ऑलरेडी एडजस्टेड रहता है, तो वो बैलेंस एडजस्टेड के साथ स्टॉक की तरह हमें दिखता है किसमें, बैलेंस शीट। सही है, तो पहला क्या था, पहला था ट्रू। सेकेंड वन, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटेन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इफ द अकाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, तो ये तो सही बात है कि रॉन्ग अकाउंट में हो गया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पे लिख दिया कि रॉन्ग साइड पे भी रहता है तो भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ही कहा जाता है। नहीं, रॉन्ग साइड पे अगर हो गया ना, मान लीजिए आपको 5,000 से डेबिट करना था, आपने 5,000 से क्रेडिट कर दिया, तो आगे आपको 10,000 से डेबिट करना पड़ेगा, तो ये जो अमाउंट का वेरिएशन आता है वो क्या कहता है, एरर ऑफ कमीशन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो है फॉल्स, समझ रहे हो बात को, ये है आपका फॉल्स। क्यों, आप समझ रहे हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल तो सही है, उसमें सिर्फ नेम चेंज होते हैं, साइड नहीं चेंज होता। मान लीजिए राम को डेबिट करना था, श्याम को डेबिट कर दिए, राम को डेबिट करना था, मशीन को डेबिट कर दिए, तो ऐसी चीजें जो सेम साइड पे ही रहे उसी साइड पे हो रहा है, बस नाम चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग साइड यूज कर लिया, एक एरर ऑफ कमीशन होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट, क्या लगता है आपको, स्टैट्यूट जो होता है, जो हमारी IFRS ये सब हो गया, जो बॉडी है जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, तो उसको जो है AS क्या ओवरराइड कर सकता है, हमारी एक लॉ मेकिंग बॉडीज है जो ये सब प्रोवाइड करता है, वो तो ये स्टैट्यूट जो कि हमारा रूल्स रेगुलेशंस लॉ कहता है, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो क्या AS उसको ओवरराइड कर जाएगा, नहीं ओवरराइड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पे ही, स्टैट्यूट के बेसिस पे ही AS बनता है, तो अगर स्टैट्यूट अगर स्टेबल है तो AS उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, इसके बेसिस पे ही ये बनता है, तो ये भी क्या है, फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 देखते हैं। प्रोमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कैसे, द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर इन द केस ऑफ फॉर्मर एंड बाय द एक्सेप्टर इन द लेटर। सही बात है, प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, अमाउंट वही देता है जो उसको बनाता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बाय द इन द लेटर, लेटर मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है, उसमें क्या होता है, कौन बनाता है, जिसको पे करना है, जो एक्सेप्ट किया है वो पे करता है, मतलब प्रोमिसरी नोट में वो पे करता है जिसने बनाया है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो पे करता है जिसने एक्सेप्ट किया, ये बात लिखा हुआ है, तो ये तो ट्रू बात है, ठीक है, ये ट्रू है। ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाई द मीन्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि कुछ कुछ आप एंट्रीज देखे होंगे जिसमें सिर्फ एक साइड को करेक्ट करके आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका सेल्स डाउन चल रहा था, ठीक है, तो लिख दिए सीधे क्या कर दिया, बाई लगाकर लिख दिए उतना अमाउंट जितना कम था, आपको जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं थी, आप देखे होंगे पहला या दूसरा इलस्ट्रेशन ऐसा ही था, और उसमें लिखा भी था कि कोई जरूरी नहीं है कि जर्नल एंट्रीज ही हम पास करें तो वो जो है वो हमारा एक्चुअल रिजल्ट निकले, नहीं, कुछ कुछ ऐसे एरर्स हैं जो बिना जर्नल एंट्रीज के भी पास हो सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये तो ट्रू है भाई, इसका दूसरा नाम ही है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, समझ रहे हो, जिस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसी को कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब बोल रहा है व्हाट आर द कंडीशन अंडर व्हिच अ कंपनी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, कब, मान लीजिए लॉ जो है वो चेंज करने की बात कर रहा हो, या फिर कुछ ऐसी इनस्टेबिलिटी आ गई है आपकी पॉलिसी में, करेंट पॉलिसी में, जिसके कारण आपको चेंज करना पड़ रहा है, या हो सकता है कि जो पॉलिसी है करेंटली वो वर्क नहीं कर रहा, ये सारे केसेस हैं, 2-3 केस भी आप लिखेंगे और अपने लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। फॉलोइंग कैश बेसिस अकाउंटिंग, अब एक होता है कैश बेसिस, एक क्रेडिट बेसिस, मतलब सिंपल जो जितने भी ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे होता है, मान लीजिए कोई भी एक्सपेंस हो रहा है या आपको इनकम हो रहा है, वो अगर कैश आपको रिसीव्ड हो जा रहा है या फिर अगर एक्सपेंस हुआ तो आप पे कर दे रहे हैं, तो उसी को कहते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। यहाँ पे क्रेडिट का कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग का कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं आता,
ठीक है, क्रेडिट का अमाउंट नहीं आता, कैश बेसिस। जब इनकम या एक्सपेंस किसी भी अकाउंटिंग में अगर अकर हुआ हो और कैश उसमें इन्वॉल्व हुआ हो तो उसी को कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई कंपनी का मतलब ये होता है, कंपनी का एक फीचर होता है ये गोइंग कंसर्न, ये कहता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी, लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी, अनस्टॉपेबल, ठीक है, उसको कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, आगे देख लेते हैं, जर्नल एंट्री जब पास करना है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू 1,50,000 का एट ट्रेड डिस्काउंटेड ऑफ 10% प्लस और क्या क्या CGST और SGST। अब सुनिए आपको क्या करना था, परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन कितने अमाउंट से, 1,35,000 से, क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक। अब 1,50,000 से किए तो अब इसी पे आपको 6% CGST लगा देना था और 6% SGST और 2 सोनू कर देते, बस हो गया, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंट 135, 2 CGST या 135 का 6%, 2 SGST 135 का 6%, हाँ सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, तीनों डेबिट और 2 सोनू, गड़बड़ा जा रहा हूँ लिखने में, ठीक है, और सोनू में तीनों का अमाउंट, एक में 1,35,000 पहला में परचेज में, दूसरा में 1,35,000 का 6%, फिर 1,35,000 का 6% और फिर 1,35,000 प्लस इसका 12% जो होगा वो क्रेडिट साइड में सोनू का। अगला है सोल्ड गुड्स टू मोहित 450,000, चार्ज CGST SGST 5%, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 40% इज रिसीव्ड बाय द कैश इमीडिएटली। तो देखिए आप दो एंट्री भी पास कर सकते हैं, एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, पहले बात कर लेते हैं दो एंट्री की, आपको क्या करना था, मोहित अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 सेल्स, 2 CGST, 2 SGST, अब 50,000 का 5% SGST, 5% CGST, दोनों को क्रेडिट करना था और सेल्स को भी क्रेडिट करना था, डेबिट किसको करना था, मोहित को, तो 50,000 से आपको मोहित को डेबिट नहीं करना है, आपको मोहित को डेबिट कितना से करना है, 50,000 प्लस 10%, 5% CGST और 5% SGST, तो 60,000 से मोहित डेबिट, 2 सेल्स, 2 CGST, 2 SGST, तो 60,000 दोनों डेबिट हो जाता, डेबिट हो जाता और क्रेडिट में भी 60,000 हो जाता। अब सुनिए, अब एक ही साथ अगर आप और दूसरा जो एंट्री पास करते वो क्या करते आप, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 40% इज रिसीव्ड बाई चेक इमीजिएटली, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, 40% जो भी है, 60,000 का 40% कितना, 2,40,000, 2,40,000 बोल रहा हूँ, 24,000, 2 जो भी आपको किससे रिसीव हुआ है, 2 मोहित, आप लिख सकते हैं किससे मिला है, चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 मोहित, बस कहानी खत्म। अब अगर एक साथ आप दिखाते इसको तो क्या करते आप, मोहित को जो 50,000 दिखाए हैं ना, मोहित को 50,000 और नीचे मोहित क्रेडिट कितने से हो रहा है, आप एक्चुअली में सोच कर देखिए, 2,40,000, 24,000 से, तो उसको मोहित में से ऑलरेडी माइनस कर दीजिए और बैंक को ऊपर डेबिट कर दीजिए, मतलब समझ रहे हो, 2,24,000 से डेबिट कर दो बैंक को, मोहित को डेबिट करो 26,000 से और बाकी 2 सेल्स कितना जो 50,000 है, 2 CGST कितना जितना बनेगा 50,000 में, 2 SGST जितना बनेगा उतना, बस और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा दो एंट्री अगर आप करोगे तो अलग अलग कर दो देना, पेमेंट का अलग और सेल्स का सिर्फ ऊपर रहने देना, मोहित 2 सेल्स, 2 CGST, 2 SGST, और अगर एक साथ कर रहे हो तो क्या करना, कैश या बैंक जो भी रिसीव हुआ 24,000, 2 मोहित कितना 26,000 और 24,000 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी कितना है, 60,000 है, तो 60,000 का कितना हो जाएगा, हाँ सही है, 24,000 ऊपर और जो भी बचा आपका 36,000 वो नीचे किसमें, मोहित में, कैश में एक डेबिट होगा फिर मोहित में डेबिट होगा, ठीक, फिर 2 सेल्स, 2 CGST, 2 SGST, बात खत्म, और जो सेल्स और CGST SGST का अमाउंट है वो एज यूजुअल रहेगा और जो अमाउंट एडजस्ट होगा वो कैश और मोहित में, और कैश का तो लिखा है 40%, तो 60,000 का 40%, 24,000 यानी कि बाकी 36,000 मोहित के डेबिट कर, मोहित को डेबिट कर दे, और गुड्स कॉस्टिंग 50,000, क्या गुड्स कॉस्टिंग 25,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, सच गुड्स वेयर परचेज बाई पेइंग CGST SGST 6% ईच, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, परचेजिंग परचेज को आपको परचेज किया हुआ था ये गुड्स और इसको जो है वो ड्रॉ कर रहे हो, तो आप कर देना सिंपल, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 2, क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सच गुड्स वेयर परचेज बाई पेइंग, अच्छा तो आपको क्या करना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और क्या था,
सीजीएसटी एसजीएसटी सारे का अमाउंट जो है वो आपको डेबिट कर देना है, समझ रहे हो, एक ही साथ करना। कितना कितना, 25,000 का ये, और इस पे लगा देना सीजीएसटी और एसजीएसटी 6-6% ईच, बस कहानी खत्म, यही डेबिट करना था आपको। टू कैशबैक जो भी है, कैपिटल कैपिटल को ही रिड्यूस करता है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मिसिस ब्राइट इंडस्ट्रीज फॉर 2 लाख प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% पेड 1 लाख इमीजिएटली बाई चेक एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। सिंपल, मशीनरी आप परचेज किए हो तो आप क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख, और क्या सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9-9% फिर से लगा देना 2-2 लाख पे, इन दोनों को भी डेबिट, टू बैंक 1 लाख, और जो बाकी अमाउंट जो डेबिट सारे हैं उनसे बचेगा उसको कर देना टू मिसिस ब्राइट, क्यों, क्योंकि क्रेडिट पे रह गया उतना बैलेंस आप पे नहीं किए, बस कहानी खत्म, जर्नल एंट्री हो गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार एज ऑन इतना डिड नॉट टैली, ठीक है, डिफरेंस जो है वो पोस्ट किया गया है सस्पेंस अकाउंट में, ओके, यानी कि स्टेज टू। ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग एरर्स वेर डिटेक्टेड, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक फॉर द जनवरी हैज बीन कास्टेड शॉर्ट बाई 1,000। सेल्स रिटर्न बुक, तो सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस कितना, 1,000, हो गया एंट्री पहला। अब आप कहोगे पी एंड एल एडजस्टमेंट हम यूज करें, देखो भाई सारे बुक्स क्लोज नहीं हुए, सिर्फ सस्पेंस अकाउंट जो है वो टैली नहीं हुआ रहा था, क्या बोल रहा है, डिड नॉट टैली एंड सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट किया गया, यानी कि सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है, यहाँ पे बुक क्लोजिंग पी एंड एल बैलेंस शीट क्लोज की बात नहीं कर रहा था। फ्रेट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 65,000 वाज पोस्टेड टू द फ्रेट एज 56,000, तो 56,000 बोल रहा हूँ, 5,600 है ऊपर 6,500 है, यानी कि 900 कम किया, तो कोई बात नहीं, फ्रेट टू सस्पेंस कर देना, कितना हो जाएगा 900, हाँ 900। गुड्स ऑफ द वैल्यू 2,500 रिटर्न बाई द कस्टमर वेयर इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड दियर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, तो क्या करना होगा, सेल्स को भी डेबिट, सेल्स रिटर्न को भी डेबिट, और क्या, टू सस्पेंस अकाउंट, कहानी आपका खत्म। 25,25, 500, 5,000, 18,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ओल्ड मोटरसाइकिल फॉर द पर्सनल यूज वाई मिस्टर सर्वेश वॉज पोस्टेड टू द डेबिट टू द कन्वीयंस अकाउंट, गलती से कन्वीयंस को क्या कर दिए हैं डेबिट, तो कन्वीयंस को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट तो डेबिट है ही भाई, ड्रॉइंग को डेबिट कर देना, लेकिन ये हो जाएगा क्रेडिट। आगे देखते हैं क्रेडिट और ऊपर सस्पेंस, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट खोलना, हाँ, परचेज ऑफ 6,700 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट एट 6,000। अब बताइए परचेज किया आप 6,700 का और पोस्ट किया सिर्फ 600 का, तो आपको क्या करना है, क्रेडिट को बढ़ा देना, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर भी कर सकते हैं आप, कितना जो बैलेंस है 300, क्रेडिटर अपने आप बढ़ जाएगा। रिसीप्ट ऑफ कैश 5,000 फ्रॉम मिस्टर अविनाश वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, अब हम रिसीव किए हैं कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, 5,000, और क्या बोल रहा है, मिस्टर अविनाश को गलती से डेबिट कर दिए हैं तो इसको करेंगे क्रेडिट, कितना 5,000 से ही, और वो क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री क्या होता, कैश टू अविनाश, और अविनाश नीचे हो जाएगा टोटल 10,000, क्यों, क्योंकि बाहर में गलत से डेबिट हुआ है और एक रियल में क्रेडिट होना चाहिए, तो ये दोनों क्रेडिट हो जाएगा, गलत वाला भी, तो ऊपर एक सस्पेंस खोल देंगे, कैश सस्पेंस, कैश अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अविनाश, कितना 10,000, और उन अविनाश में 10,000, हाँ, और कैश और सस्पेंस 5,500। अब देखिए अ चेक ऑफ 2,500 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अलोक हैड बीन डिजॉनर्ड एंड वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर अशोक, तो मिस्टर अशोक को हम कर देंगे क्रेडिट और अलोक को कर देंगे डेबिट, बस कहानी खत्म। सेल्स ऑफ 8,500, हो सकता है लिटिल बिट आपका अलग हो लेकिन आंसर अलग नहीं आएगा, सेल ऑफ 8,500 टू मिस्टर दीपक वाज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक करेक्टली बट वाइल पोस्टिंग टू द लेजर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, क्या बोल रहा है, सेल्स ऑफ 8,500 टू मिस्टर दीपक, यानी कि दीपक टू सेल्स, सेल्स बुक में करेक्टली पास हो गया बट वाइल पोस्टिंग विद द लेजर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मिस्टर दीपक टू सेल्स होना चाहिए था और गलती से मिस्टर दीपक को फिर से हमने क्रेडिट कर दिया, तो आप बताइए क्या करेंगे मिस्टर दीपक को,
जो वहां से गलती से क्रेडिट किया उसको फिर से डेबिट कर देंगे और सस्पेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो दुगना अमाउंट होगा, इतना ध्यान रखना। ऊपर जो 8500 क्रेडिट है और फिर से जो हम क्रेडिट को डेबिट करेंगे तो उससे जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 समझ में नहीं है? ओके वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 मैं सोल्व किया था। मिस्टर दीपक टू सस्पेंस, हाँ मिस्टर दीपक जो करेक्ट पास हुआ है और बाद में जाकर गलती से डेबिट हो गया है तो उसको फिर से क्रेडिट डेबिट कर देंगे, सॉरी मिस्टर दीपक टू सस्पेंस कर देंगे, हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड है, कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अमाउंटिंग टू 3800 वाज नॉट पोस्टेड, पोस्ट ही नहीं हुआ। डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस कर देंगे 800। सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 2200 ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स, यानी कि आपको लिखना चाहिए था ओल्ड फर्नीचर सेल कर रहे हैं, कैश मिल रहा है कैश टू ओल्ड ऑफिस, आप क्या मान लिया कैश टू सेल्स, तो सेल्स को भी डेबिट, कैश को भी डेबिट और टेबल को क्रेडिट, ठीक है। सस्पेंस को भी डेबिट एक कर देते तो हो जाता सही। तो यहाँ पे 12 मार्क्स का थोड़ा बहुत अगर एरर है एक दो में तो आपको 10 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। अब मेन चीज यहाँ पे समझने वाला भाई डेप्रिसिएशन, बस सुन लेना भाई डेप्रिसिएशन वाला। ये जो अमाउंट दिया है ना, बोला है कि अब न्यू मशीनरी परचेज किया गया है, किधर गया? और यहाँ देखिए मेन पार्ट जो है वो ये है, पार्ट ऑफ मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 और 80,000 वाज सोल्ड फॉर 45,000। तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि अभी जो 80,000 इसका प्राइस है, इससे पहले जो है डिमिनिशिंग मेथड लग रहा था, कब से? 1 अप्रैल 2022 के बाद लगा है, यानी कि 2020 में तो ये नहीं होगा, SLM मेथड होगा। यहाँ पे लिखा भी है कंपनी है चेंज द फ्लोइंग मेथड डिमिनिशिंग मेथड मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी कि उसके पहले डिमिनिशिंग था, इससे पहले डिमिनिशिंग मेथड था 2020 से पहले, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस पे इतना आया है अमाउंट। क्या बोला है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू द स्ट्रेट लाइन मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अब इसके बाद में जो डिप्रिसिएशन लगेगा उस पर आपको यूज करना है क्या? SLM, यानी कि उसके पहले डिमिनिशिंग मेथड था। अब 80,000 वाला किसका पार्ट है? ये 972,000 का, दोनों को अलग कीजिए और जो जितना अमाउंट आ रहा है दोनों का, जैसे कि ये दिया हुआ है 1 अप्रैल 2022 का, इसके पीछे जाइए पीछे और 2020 तक 5 साल का कैलकुलेट कीजिए इसी अमाउंट, 5 साल का नहीं, कब का, 20, 2 साल का, और 2 साल का कैलकुलेट करने के बाद आपको अक्टूबर तक का कैलकुलेट करना है, ये देखिए अक्टूबर तक का, और वैल्यू निकाल लीजिए। और वैसे ही इसको भी पीछे देखना होगा आपको कि इसका क्या वैल्यू आ रहा था, अगर 2 साल का इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और क्योंकि ये सेल कब हुआ है, सेल कब हुआ, 1 अक्टूबर को, हाँ, तो 1 अप्रैल से जो है पीछे तो डिमिनिजिंग ही लगेगा, पीछे सॉरी डिमिनिजिंग बैलेंस मेथड 1 अप्रैल से चेंज हो जाएगा, उससे पहले आपको SLM लगाना होगा। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, इसको मैं पेन पेपर पर सोल्व कर दूंगा क्योंकि, ठीक है, इसको अभी हम स्किप करते हैं, बताना बहुत मुश्किल है अभी, हाथ से नहीं बता पता, बस इतना जान लीजिए कि इस ये जो अमाउंट गिवे है ना, ये और ये दोनों एक है, और दोनों को पिछले फिगर को लाना है, और पिछले से 2 साल का, और उससे कैलकुलेट करके आपको 1 अक्टूबर तक पहुंचना है, 1 का 1 अप्रैल का निकालना है और 1 का 1 अक्टूबर का, 1 अक्टूबर का आप इसको निकालिएगा, था 1 अप्रैल तक तो जो पहले से फॉलो आ रहा था डिमिनिशिंग वही, लेकिन 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक इस पर जो आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे आप SLM, ठीक है। और फिर कैलकुलेट करेंगे कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक SLM हम फॉलो करते हैं तो 80,000 पे हमारा कितना बैलेंस आ रहा है, हालांकि 2020 का बैलेंस दिया हुआ है तो 2022 तक हमें फाइंड करना है, ठीक है, इस पर, और बाद में जो सेल होगा उसका कैलकुलेट करना है। ये तो न्यूली मशीन है तो इस पर तो आप आराम से 1 अक्टूबर 2022 से आप आराम से यूज कर लोगे क्या SLM, और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, अलग अलग करके करते तो बहुत मजा आता। अब ये देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इस पर मैं इसको भी मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना कुछ भी नहीं था, इसको लेना था ओपनिंग बैलेंस शीट में, इसको लेना था ओपनिंग में, इसको इस पूरे आइटम को ले लेना था क्लोजिंग में, एज पर द इंफॉर्मेशन जैसे नीचे कुछ इधर उधर भी है तो उसको देख लेना था, ठीक। इधर से भी ये तो करंट ईयर का था, देख लीजिए 31 मार्च 2024 का, तो इसमें तो जितने अमाउंट्स है जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है सब कैलकुलेट करके जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर में, जो बचेंगे वो बैलेंस शीट में इसके आइटम्स, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी जाएगा कहाँ, इनकम एक्सपेंडिचर में, और बैलेंस शीट में इंट्रेंस फी ये सब कुछ, और देखते हैं इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन था या नहीं। एक सेकेंड, वो गलती से पेज नंबर 5 आ गया। हाँ ये देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन लगाना है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में आप चार्ज करेंगे,
रीवैल्यू हुआ है एवरी ईयर, और वैल्यू जो लास्ट में बचा है वो 30,000, 60% ऑफ द इंसेंटिव ये कैपिटलाइज है, 60% जाएगा क्लोजिंग कैपिटल में। और बस इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हो, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब सारे आइटम्स को जब आप पोस्ट कर लिए होंगे, जैसे मैं बता दिया मेन चीज जो है, मेन कंटेंट वो मैं बता दिया, क्या बताया कि ओपनिंग बैलेंस शीट में ये सारे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये सारे इतना दिखा दिए होंगे, और तीन चार आइटम्स इसका और तीन चार आइटम इसका जहां जा रहा है वहां पर दिखा देते आप। अगर आंसर गलत भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टेप मार्किंग इसमें है, कुछ नहीं बनाना था, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट 12 मार्क्स का है। अगर दो तीन एरर हुए भी होंगे तो 8 to 9 मार्क्स इजीली आपको दे दिए जाएंगे। हालांकि इसको सोल्यूशन अगर मैं बनाऊँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एग्जैक्ट आंसर सोल्यूशन के बाद ही निकलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आराम से बता देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप डालते, और जो वैल्यू एट द एंड जो बच रहा है जैसे इसमें दिख रहा है वो क्लोजिंग में जाएगा, और जो बच रहा है इसका वैल्यू मतलब कुछ चार्जेज लगे उसको कट करके वो ओपनिंग में दिखेगा, बस और कुछ नहीं था। और वैसे ही देखिए क्या था अगला, पार्टनरशिप का। हालांकि आगे मैं सोल्यूशन बना देता हूँ बाकी क्वेश्चंस का, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। इसमें कुछ भी नहीं था, आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, खैर इसको लास्ट में देखते हैं, टाइम लग जाएगा। उससे पहले कुछ अच्छे सारे अच्छे खासे क्वेश्चन, ये देखिए इसके बेस पे प्रॉफिट के बेस पे आपको कैलकुलेट करना था गुडविल, और क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। अब देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ओपनिंग डब्ल्यू आई पी जाएगा बिल्कुल डेबिट साइड, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आप माइनस करके भी दिखा सकते हैं नीचे, या फिर क्रेडिट साइड। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल नहीं जाएगा, क्यों भाई, ओपनिंग रॉ मटेरियल ये तो ट्रेडिंग का है, क्लोजिंग में नहीं जाएगा। परचेज आएगा, परचेज रिटर्न आएगा उससे माइनस होकर, इनडायरेक्ट मटेरियल नीचे रहेगा, डायरेक्ट वेजेज रहेगा ऊपर, इनडायरेक्ट वेजेज भी नीचे रहेगा, मटेरियल ये तो नहीं होगा ना भाई, होगा होगा। आइए पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आता है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री शेड हाँ इनडायरेक्ट है, प्लांट एंड मशीनरी वाला तो बिल्कुल आएगा मैन्युफैक्चरिंग में, सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट साइड, और चार नंबर पांच नंबर में से चार नंबर आपका बिल्कुल आप ले लेते अगर एक दो आइटम अगर गलत भी होता तो। मैं बता दिया डेबिट क्रेडिट किधर दिखाना था। आगे ये देखिए इन्वेंट्री वाला है, कुछ भी नहीं करना आपको, पीछे जाकर पता करना है 10 अप्रैल से पहले कि आपका वैल्यू कितना था, 31 मार्च को पीछे जाना है आपको, तो क्या करना है, जो भी आप सेल किए जैसे सेल्स रिटर्न है 10,000 तो 25% कॉस्ट पे भेजा गया था, ठीक है, तो 1/5 इससे माइनस कर लेंगे, ये जो सेल्स है 1,10,000 20% इससे माइनस कर लेना था 1/5, ठीक है, 20% यानी कि 22,000 ऐसे माइनस कर लेना था। परचेज जो आप किए थे इसमें आपको कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं थी, इंक्लूडिंग कैश परचेज, ठीक है, परचेज रिटर्न जो है इसको आपको क्या है, परचेजेज और परचेज रिटर्न, परचेज किया हुआ रिटर्न हुआ है, ओके माइनस, तो रियल में आप करते थे माइनस, तो अभी जो है पीछे चल रहे हैं तो प्लस, यानी कि ये रिटर्न अभी कर रहे हैं, पहले ये गुड्स में था तो 2,500 करना होगा एड, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 1,500 रिसीव्ड इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, आउट ऑफ 60% गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय 10th ऑफ एप्रिल, दिस सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव सेल्स, ये ऊपर के सेल्स में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये सेल नहीं माने गए, बाद में सेल हुए हैं, ठीक है, क्या होता है, हैड बीन सोल्ड बाय 10th ऑफ अप्रैल, पहले सेल नहीं माने थे तो पिछली बार भी इसको सेल मानेंगे तब तो ये वैल्यू आएगा, तो क्या करेंगे, 60% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय 10th अप्रैल, बाद में सेल हुआ है तो पिछले पीछे तो ये सेल हुआ नहीं होगा, तो पीछे में से 60% माइनस कर देंगे सेल्स वैल्यू में से इसको। आगे देखिए आफ्टर द स्टॉक इट वॉज फाउंड दैट देर वॉज सर्टेन वेरी ओल्ड मूविंग मशीन था कोई 14,850 का, विच शुड बी टेकन एट 9,000, कम पे लेना था, आप ज़्यादा पे ले लिए तो आपको कम पे लेना चाहिए, कम कर दीजिए जितना ही दोनों का बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट, वही बात है ऊपर 25% पे था तो सेल्स या सेल्स रिटर्न में 1/5 माइनस करना था। अब आइए बीआरएस, देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप जो है अगर मटेरियल को फॉलो करके बनाए होंगे तो इसको एज इट इज ले लिए होंगे कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है 24,000। अब सेकेंड वन को आप क्या किएंगे, चेक डिपोजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बैंक में रिकॉर्ड हो गया यानी कि बैंक हमारा बढ़ा हुआ है, कैश बुक नहीं बढ़ा हुआ है, और अगर हम एज पर कैश बुक अपना मैं मानूं तो मैं क्या करता इसको प्लस, लेकिन क्योंकि आप इसको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं ऊपर वाला अमाउंट पॉजिटिव लिए हैं तो आप क्या कर रहे होंगे माइनस, देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू इसका माइनस लिया हूँ और यहाँ पे आप जो है इसका प्लस लिए होंगे एज पर बुक, आंसर दोनों से करेक्ट ही आएगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं गलत आ जाएगा, नहीं आंसर करेक्ट ही आएगा, बस थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, जैसे ऊपर दे दिया ना कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, आप क्या लिखे होंगे 24,000 सीधे, अब मैं क्या कर रहा हूँ -24,000 लिख रहा हूँ और एज पर कैश बुक यानी कि प्लस माइनस मैं कैश बुक में करने वाला हूँ, अगर पासबुक बढ़ा हुआ है तो मैं कैश बुक को बढ़ाऊंगा, जैसे इसमें था
कि कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है और हमने डिपॉजिट किया, यानी कि बैंक बढ़ा हुआ होगा, तो हम कैशबुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो हम कैशबुक बढ़ा देंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्योंकि आप पॉजिटिव वैल्यू लिए हो 24,000, ये आप है मान लीजिए, तो आप इसको 4,000 माइनस करना, दोनों साइड सेम ही आंसर आएगा लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स वाज इंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है, कैश रिसीव हम किए हैं इंटर द कैश बुक में, वो हो गया है ऐड, यानी कि उधर ऐड नहीं हुआ, तो इसको क्या कर लेंगे माइनस, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे प्लस, क्योंकि ऊपर आप निगेटिव बैलेंस नहीं लिए थे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, डेबिट साइड जो है वो कम है, तो डेबिट साइड क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो हम क्या करते हैं, हम करते प्लस, और आप क्या करेंगे इस चीज को, आप करते माइनस, क्योंकि आप जो है ऊपर एज पर पॉजिटिव बैलेंस लेकर चल रहे हैं, तो आप इसको माइनस करेंगे, और मैं क्योंकि इसको अगर निगेटिव मानकर आप बना रहे होंगे 24,000 को, तो आप यहाँ कर देंगे प्लस, आंसर सेम आएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नीचे जब आप यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जब आप इक्वल करेंगे इसको और इसको, तो सेम ही आएगा। ये मैं बता रहा हूँ आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू से, यानी कि ये मटेरियल के पॉइंट्स ऑफ व्यू से है, ठीक है, जैसे ICAI कहती है उसके व्यू से, और लॉजिकली मैं ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, 1,000 माइनस, आगे देखिए, अ चेक ऑफ 9,000 डिपोजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट, 9,000 वर डिपोजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये समझ में थोड़ा नहीं है, बट नॉट कलेक्टेड क्या था, चेक ऑफ 9,000 डिपोजिट कर दिए बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट मतलब नहीं हुआ, ऐसा मान लीजिए, तो आप क्या करते, आप करते प्लस, हम करेंगे माइनस, चेक ऑफ 9,000 डिपोजिटेड, ठीक, तो इसको तो माइनस ही करना चाहिए, बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट कुछ लिखा ही नहीं है, चेक ऑफ 9,000 डिपॉजिट है, डिपॉजिट हो गया यानी कि हमारा कैश बुक हम बढ़ा दिए होंगे, बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट वहां पे हो सकता है कि नहीं दिखा रहा हो, तो इसको हमको क्या करना चाहिए, इसको हमको घटा देना चाहिए, तो आप क्या किए होंगे इसको, आप किए होंगे इसको प्लस, और हम क्या करते हैं इसको माइनस, दो दो आंसर बनाने की जरूरत नहीं, ये मेरा आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कलेक्टेड बाई बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो बैंक तो बढ़ गया होगा, तो हमें क्या करनी चाहिए, कैश बुक को भी बढ़ा देनी चाहिए, हालांकि आप जो है वो क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस मानकर चलोगे तो आप इसको घटा देंगे, ठीक है। दो 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 टाइप के स्टूडेंट होते हैं यार, अलग अलग मतलब, बैंक चार्जेज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, यानी कि दो बार घट गया तो एक बार बढ़ा देंगे, और आपके अकॉर्डिंग क्योंकि ये घट चुका है तो पासबुक को भी आप क्या करेंगे, आप घटा देंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, ठीक। नोटिंग चार्जेज डेबिटेड इन द पासबुक फॉर डिस्काउंटेड बिल डिज ऑनर्ड, पासबुक घट गया तो इसको भी हम घटा देंगे, हालांकि जब पासबुक घटा हुआ है तो आपको पासबुक को बढ़ा देना चाहिए क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट ऊपर की बने, तो ये आपके पर्सपेक्टिव से है, ये मेरे पर्सपेक्टिव से आंसर सेम ही आएगा। चेक डिपॉजिटेड ऑन 25 मार्च बट नॉट कलेक्टेड, बट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 5 अप्रैल, तो जब हम डिपॉजिट किए तब तो मान लिए कि हमारा कैशबुक बढ़ गया, तो इसको हम घटा लेते हैं, और आप इसको क्या करोगे, बढ़ा लोगे, क्योंकि बाद में आपको कलेक्ट हो रहा है तो पहले तो कम ही दिखा रहा होगा, तो आप बढ़ा लोगे और मैं घटा लूंगा, ये मैं अपना आंसर बता रहा हूँ, मैं मतलब ये नहीं कि दो दो बार प्लस माइनस करना, बिल्कुल नहीं। चेक इजूड ऑन 26 मार्च बट प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट ऑन 6 अप्रैल, यानी कि हम इशू कर दिए चेक कि लो भाई मेरा घट गया, और वो बाद में घटा है वो तो बढ़ा हुआ होगा, तो कैशबुक को भी हम बढ़ा देंगे, लेकिन क्योंकि वो बाद में इनकैश हुआ तो आप ओवरड्राफ्ट के चलते माइनस कर देंगे। अब ये जो मेरा पर्सपेक्टिव का आंसर है और ये आपका जो है, जो आप 24,000 पॉजिटिव लिए होंगे, मैं स्टार्टिंग में निगेटिव ले लिया था, दोनों का आंसर सेम आएगा, आप नीचे कैलकुलेट करके देख लेना, सेम आएगा 5 मार्क्स, दो अगर गलत होगा सारे जो है वो हाफ मार्क्स के, अगर एक भी गलत हुआ तो हाफ मार्क्स जाएगा, तीन गलत होगा तो 1.5 मार्क्स कट होगा, और क्या, ये तो लंबा, इसको तो बनाना पड़ेगा भाई। खैर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक का क्या एडवांटेजेस है, सब्सिडरी बुक्स क्या है, आपका सेल्स बुक हो गया, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब जो है सब्सिडरी बुक्स है, उससे क्या फायदा है, बहुत सारे, परचेज रिटर्न बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, मतलब जितनी अकाउंट्स जो है सब्सिडरी बुक्स जो है उनके एडवांटेज यही है, वो समरी रहते हैं, शॉर्ट नोट में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कंसर्निंग आइटम्स ही उनमें रहती है, दूसरे आइटम्स आने के चांसेस कम रहते हैं, और जितने फ्लो में वो रिकॉर्ड होते हैं वो सिर्फ अपने ही परचेज और अपने सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, और इनमें सिर्फ क्रेडिट आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इजिली इसमें हम डिटेक्ट कर लेते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, उसको मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि इस ऐसे बताना मुश्किल है, बाकी सारे क्वेश्चन को बताना आसान था, लेकिन इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है। आई होप इतने से आप काफ़ी चीज़ समझ गए होंगे, और ये जो है 20 मार्क का, मैं 30 मार्क का मैं अभी सोल्व नहीं किया हूँ, सॉरी 30 मार्क्स का नहीं सोल्व किया हूँ, 70 मार्क्स का सोल्व कर दिया, और इतने से आपको क्लू मिल गया होगा।
अगली वीडियो में मैं पक्का सोल्व कर दूंगा भाई, तसल्ली के लिए। हालांकि क्विक सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, और ये सभी अगर आप सोल्व किए तो अच्छी बात है, इसमें तो स्टेप मार्किंग है, आराम से आपको आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।